गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो जैसे कि सूक्ष्म जीव के बारे में अगर हम बात करें तो सूक्ष्म जीव हम किसे कहते हैं? इस पृथ्वी पर हम अपने चारों तरफ अगर नजर डालें तो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जीव जगत में हमको नजर आते हैं। कुछ ऐसे भी जीव जंतु हैं जो हमको नजर नहीं आते खुली आंखों से, नग्न आंखों से, तब हमको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़ती है, और ऐसे जीवों को ही हम सूक्ष्म जीव कह सकते हैं, है ना। तो इस पृथ्वी पर जो विभिन्न प्रकार के जीवधारी हैं उनमें पेड़ पौधे और जीव जंतु के अलावा सूक्ष्म जीव को हम डिवाइड नहीं कर सकते कि ये पेड़ पौधों के श्रेणी में आएंगे या जंतुओं के श्रेणी में आते हैं। एक्चुअली ये लिविंग ऐसे जीव हैं जिनमें कुछ कैरेक्टर जो है वो पेड़ पौधे के भी पाए जा सकते हैं, कुछ कैरेक्टर जो है वो जीव जंतु के भी पाए जा सकते हैं। सूक्ष्म जीव केवल सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकते हैं, उन्हें खुली आंखों से देखा नहीं जा सकता। अगर हम सूक्ष्म जीवों की आवास के बारे में बात करें कि सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं, तो सूक्ष्म जीव का आवास जो है वो सर्वव्यापी होता है, वे हर जगह मौजूद होते हैं। पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं के शरीर के अंदर, वायु में, पानी में, मृदा में, ऐसे मृदा के ऐसी गहराई में जहाँ पर जीवन पॉसिबल नहीं है, इतनी ठंड में जहाँ पर जीवन पॉसिबल नहीं है, ज्वालामुखी की गहराई में, अत्यधिक ताप पर जहाँ पर जीवन पॉसिबल नहीं है, उन सभी जगहों पर सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। वायु, भूमि, जल में, पृथ्वी में लगभग 16 फीट की गहराई तक जीवाणु मिलते हैं, है ना। और अगर हम मनुष्य की बात करें तो जीवाणु जो है वो मनुष्य के मुख गुहा में, त्वचा में, आंत में पाए जाते हैं, दूध में जीवाणु पाए जाते हैं, फल और सब्जियों में जीवाणु पाए जाते हैं। ये प्रतिकूल परिस्थिति जैसे बर्फ के परतों के भीतर जहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम टेम्परेचर होता है, गर्म झरनों में जहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर टेम्परेचर होता है, गीजर के भीतर, उच्च अम्ली वातावरण में जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जहाँ पर पीएच मान जो है वो 0.3 के लगभग होता है, क्षारीय वातावरण में, है ना, इन सभी जगहों पर जीवाणु जो है वो पाए जाते हैं या सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। कुछ जीवाणु उबलते हुए पानी में भी जीवित रह जाते हैं। जीवाणु के अतिरिक्त अन्य तरह के सूक्ष्म जीवों की बात करें तो विषाणु भी विभिन्न टेम्परेचर पर, ये जो है वो निर्जीव और सजीव दोनों रूप में रह सकते हैं। निर्जीव रूप में ये क्रिस्टली रूप में रहते हैं, और जैसे ही इनको उचित वातावरण मिलता है, होस्ट मिलता है, तो उसके अंदर ये जो है वो जीवित हो जाते हैं। प्रोटोजोआंस जिन्हें हम सूक्ष्म जीव आंखों से नहीं देख सकते, जैसे अमीबा, पैरामीशियम वगैरह, और कवक, फंजाई, वायराइट्स, प्रियॉन, ये सभी सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आते हैं। जीवाणु और कवक को प्रयोगशाला में पोषक मीडिया पर उगाया भी जा सकता है, जैसे अगर की प्लेट पर या पेट्रो प्लेट पर, है ना। यहाँ पर देखिए कुछ जीवाणुओं को पेट्रो प्लेट पर और कवक को यहाँ पर उगाने की विधि दी गई है। यहाँ पर कुछ जीवाणु और वायरस का डायग्राम दिया हुआ है। ये छड़ाकार दंडाकार जीवाणु है, गोलाकार जीवाणु है, ये कशाभिका वाला जीवाणु है। यहाँ पर कुछ वायरस के डायग्राम दिए गए हैं, जैसे ये विषाणु जीवाणु भोजी है, ये एडेनो वायरस जो कि श्वसनी संक्रमण उत्पन्न करने वाला होता है, ये दंडाकार टोबैको मोजेक वायरस, है ना, जो कि तंबाकू में पाया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर कुछ डायग्राम्स सूक्ष्म जीवों के दिए हुए हैं। तो हमारी ये धारणा है कि सूक्ष्म जीव से हमको बहुत हानियां होती हैं, तो ऐसा नहीं है। सूक्ष्म जीवों के द्वारा केवल हानि नहीं होती है, इनसे बहुत लाभ भी होते हैं। मनुष्यों के लिए सूक्ष्म जीव लाभदायक होते हैं, और सदियों से इसका उपयोग जो है वो बहुत सारे प्रोडक्शन के लिए, है ना, इसका उपयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम मनुष्य के जीवन में सूक्ष्म जीव किस प्रकार प्रभाव डालते हैं, किस प्रकार ये लाभदायक हैं और किस प्रकार ये
हानिकारक है, इस चैप्टर में, इस लेसन में हम इन सभी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि मनुष्य के घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव किस प्रकार काम आते हैं और इसका उपयोग हम किस तरह करते हैं घरेलू जीवन में। तो सूक्ष्म जीव का उपयोग विभिन्न प्रकार के घरेलू उत्पादों के निर्माण में होता है। इसका उपयोग हम प्रतिदिन करते हैं, जैसे दूध से दही का जमाना। दूध में पाया जाने वाला लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु जो है वो दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है, जिसका उपयोग हम प्रायः सभी घरों में करते हैं। सूक्ष्म जीव जैसे लैक्टोबैसिलस है ना, और जिन्हें सामान्यतः लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं, ये दूध में ग्रोथ करते हैं, वृद्धि करते हैं अपनी, और दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं। वृद्धि के दौरान लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अम्ल उत्पन्न करता है जो दूध के प्रोटीन को स्कंदित कर देता है और आंशिक रूप से इसमें पचा देता है। दही की थोड़ी सी मात्रा निवेश द्रव अथवा आरंभक के रूप में ताजे दूध में मिलाया जाता है। इस निवेश द्रव में लाखों करोड़ों की संख्या में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पर या उपयुक्त ताप पर कई गुना वृद्धि करते हैं, जिसके फलस्वरूप दूध जो है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार दही में विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है जो कि हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, है ना। मानव शरीर की बहुत सारी जरूरतें इससे पूरी होती है। इसके साथ साथ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हमारे पेट में पहुंचकर अनेक प्रकार से हमको लाभ भी पहुंचाता है और हानिकारक जीवाणु जो हमारे शरीर में होते हैं या हमारे भोजन में होते हैं उसको मार देता है, उसके वृद्धि को रोक देता है। जीवाणुओं का उपयोग पनीर या चीज तैयार करने में प्राचीन समय से किया जा रहा है। जीवाणुओं के द्वारा ही पनीर में विशेष प्रकार का जो गंध होता है, सुगंध होता है, उसको लाया जाता है। इस क्रिया को राइपेनिंग कहा जाता है, याद रखना राइपेनिंग। अपनी सुगंधी संरचना और स्वाद के आधार पर पनीर की कई किस्में बनाई जाती है। स्विस चीज के निर्माण में भी एक खास किस्म के जीवाणु प्रोपियोनी बैक्टीरिया शार्मेनाई का उपयोग किया जाता है। इस जीवाणु से बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और इससे स्विस चीज जो होता है उसमें बड़े बड़े छेद हो जाते हैं। राक्यूपोर्ट चीज को परिवक करने में एक विशेष प्रकार के कवक का उपयोग किया जाता है, जिससे विशेष प्रकार की गंध चीज में आने लगती है, सुगंध आने लगती है। और इसका एक और उदाहरण हम लें अपने घरेलू उत्पादों को बनाने में के लिए, तो इडली डोसा को बनाने के लिए जो फर्मेंटेड करते हैं हम, है ना, ताकि इडली और डोसा का बैटर जो है वो अच्छी तरह फूल जाए, अच्छा फ्लफी हो जाए, इसके लिए जीवाणुओं के द्वारा किण्वित किया जाता है। जो जीवाणु कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं, इससे हमारा जो ब्रेड वगैरह बनाने का, जो पाव ब्रेड वगैरह बनाने के आटा में मिलाया जाता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ये जो है वो फ्लफी हो जाता है, फूल जाता है। इसमें बेकरिस्ट ये सैक्रोमाइसिटिस सर्विसी मिलाया जाता है। इष्ट जो है वो एक प्रकार का कवक है, फंजाई है। और ये फंजाई वर्ग का एक सूक्ष्म जीव होता है इष्ट। इसी प्रकार पारंपरिक पेय और आहार की एक बड़ी श्रृंखला, बड़ी संख्या जो है वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा किण्वित कराकर तैयार किया जाता है। दक्षिण भारत के कुछ भागों में एक पारंपरिक पेय टोडी, इसको ताड़ वृक्ष के तने के स्राव को किण्वित करके तैयार किया जाता है। एक प्रकार का ये एल्कोहलिक पदार्थ है। ये भारत के उत्तरी राज्यों में ताड़ी के नाम से प्रचलित है। उत्तरी भारत में खजूर के तने के स्राव को फर्मेंटेड किया जाता है और उसका नीरा तैयार किया जाता है। बांस, प्ररो, सोयाबीन, मछली, इन सब का को फर्मेंटेड करके विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार विश्व के विभिन्न देशों में सूक्ष्म जीवों के द्वारा अनेक प्रकार के घरेलू उत्पादों का निर्माण किया जाता है। छत्तीसगढ़ प्रांत में जहां आप रहते हैं वहां पर बासी एक प्रकार के बैक्टीरिया के द्वारा ही किण्वित किया जाता है, है ना, ये भी एक एल्कोहलिक खाद्य पदार्थ है। जहां पर किण्वन हो रहा है वहां पर एल्कोहल का निर्माण बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जिससे खाद्य पदार्थ में हल्की सी खटास आ जाती है। तो
इसके द्वारा फलों के रस से शराब तैयार किया जाना, सिरका तैयार करना और विभिन्न प्रकार के मेडिसिनल यूज के लिए, फर्मेंटेशन के लिए इसका यूज किया जाना, ये सभी जो है वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही किया जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं और नेक्स्ट डे जो है वो औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव किस प्रकार उपयोगी होते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे।